विक्टोरिया एक है हद की और एक विक्टोरिया है बेस की, जो किंग और क्वीन बनी थी ना इंग्लैंड का, उसका बात कर रहे हैं। विक्टोरिया तो वो जो बड़ा पद पाया ना उसने, तो बड़ा पद जो ऊपर से जो नई आत्मा आती है वो ही पाती है, पावरफुल आत्मा ही पा सकती है, कमजोर आत्मा नहीं पाती, वो किसी में प्रवेश करती है। शंकर में ब्रह्मा का प्रवेश होता है बाबा, उसका मुरली में या किसी में प्रूफ मिलता है? चित्र किसकी यादगार है? चलेगा तो मस्तक पे क्यों बैठा हुआ है? चंद्रमा मस्तक में क्यों बैठा हुआ है? आज से 2000 साल पहले अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं बनी है, उनमें जो शंकर के चित्र दिखाए गए हैं, जिन चित्रों के आधार पर मूर्तियां बनी हैं और उनसे शास्त्र बने हैं उन चित्रों के आधार पर, तो वो चित्र चरित्र की यादगार है ना। तो जो मस्तक में धारण किया हुआ है चंद्रमा, वो भी अधूरा चंद्रमा, जानते हैं कि अधूरा है, अपूर्ण है, फिर भी उसको मान मर्तबा दे रहे हैं, कहते हैं तुम्हारी बात शर्माते हैं, अरे हम तुमको सर पे चढ़ा के रखेंगे। तो वो चंद्रमा जो है वो सर माथे पर क्यों है? क्योंकि उसको उसका उद्धार हुए बगैर गति नहीं हो सकती। जो माताएं हैं उन माताओं का पतन किसने किया? रावण ने। लेकिन राम क्या बनता है? राम भी रावण बनता है। तो पतित तो बनती है ना माताएं, माताएं पतित बनती है, तो पुरुष निमित्त बनते हैं पतित करने के, तो जो पुरुष निमित्त बने हैं फिर उनको सर के ऊपर धारण भी करना पड़े क्या? जब महाकाली का रूप धारण करती है, शंकर जी क्या करते हैं? महाकाली से लड़ाई लड़ते हैं या वो जो वो नीचे गिर जाते हैं? महाकाली है? अरे नीचे गिर जाते हैं, लंबे लंबे हो जाते हैं ना, तो झुक गए ना, जो करना है सो करो, शर्माते पर। बाबा और दो प्रश्न है बाबा, और ये अंत में 9,00,000 सितारे चमक मारेंगे ऐसा बताया है, पर अंत में 4,50,000 ही रहेंगे ना बाबा, कैसे 9,00,000 चमक मारते हैं? देखेंगे, दुनिया देखेंगे ऐसा है बताया है, उन्हीं आंखों से देखेंगे 4,50,000 की आंखों से। दुनिया मतलब 4,50,000 की आंखों से दुनिया को नहीं देखेंगे? 4,50,000 की आंखों से देखेंगे तो और कैसे देखना है? नहीं बाबा, 9,00,000 सितारों, सितारे माने आत्मा। उनको वो जब चमक मारेंगे, चमक मारेंगे तो ज्ञान की चमक मारेंगे, कभी बाप दादा प्रवेश करके बच्चों में बाप मम्मा और बाबा इस समय प्रवेश करके सर्विस करते हैं कि नहीं? तो मम्मा बाबा उन 4,50,000 जन्म लेने वालों में से नहीं है? तो चमक मार रहे हैं कि नहीं मार रहे? ऐसे और भी है आत्मा 4,50,000 जो प्रवेश करके चमक मारती है। दुनिया तो नहीं देख सकती, दुनिया को पता ही नहीं है कि तमो प्रधान आत्मा सेवा नहीं कर सकती। तमो प्रधान आत्मा सेवा करती है, बीज ज्यादा तमो प्रधान है या आधार मूर्त ज्यादा तमो प्रधान? बीज ज्यादा तमो प्रधान बीज बोला बीज है। रचयिता ज्यादा नीचे करता है या रचना ज्यादा नीचे करती है? रचयिता। सीढ़ी के चित्र में क्या दिखाया है? सीढ़ी के चित्र में वो कांटों की सैया में पड़ा हुआ है और ब्रह्मा फिर भी खड़े हुए हैं, तो ज्यादा नीचे कौन गिरा? ब्रह्मा बाबा का आधार मूर्त ज्यादा नीचे गिरा या ब्रह्मा बाबा ज्यादा नीचे गिरे? ब्रह्मा बाबा का आधार मूर्त, ब्रह्मा बाबा जिसमें प्रवेश करते हैं जगदम्बा में, वो और ज्यादा नीचे गिरती है। बाबा कई कसर में
अनेक कैसेट और कई कैसेट में आपको पता है विकार के ऊपर एक गदा भी दिखाया है, पर ये क्लियर नहीं पांच किया विकारों के ऊपर नहीं गदा दिखाया है, दिखाया पांच विकारों और पांच प्रकृति के तत्व दसों के ऊपर गधा दिखाया है। हाँ, वो गधा कौन है अभी तक नहीं बताया है बाबा है? गधा वही है जिसको अंत तक यही बात समझ में नहीं आती है कि गीता का भगवान कौन, इतना क्लियर करके कर बताते हैं दादा लेकर नाम नहीं बताए ये बता रहा है दादा लेकर इसका फोटो ब्रह्मा कुमारी देगा ये हम दृष्टि लेने के वक्त ये स्टिल फोटो रखना अच्छा है या अभी बात समझ गए दस सिरों के ऊपर रावण के दस सिरों के ऊपर गधा क्यों दिखाया गया, गधा कौन है, धोबी कौन है, बीज है क्या, धोबी कौन है, शिव बाबा है धोबी, उसका गधा कौन है, तो है ही नहीं, शरीर ही नहीं है तो गधा का शरीर ऊपर सारे कपड़े डाले जाते हैं, शरीरदारी है। अच्छा क्यों राम वाली आत्मा तो कपड़ा धोती है क्या, शिव बाबा कौन धोता है, वाला कौन है, अच्छा जो गोवर्धन पहाड़ दिखाया जाता है 16,000 गोपिकाएं दिखाई गई है, तो वो गहू को बढ़ाने वाला 16,000 का संगठन बनाने वाला कौन है वास्तव में, ये सेवा कौन करता है, ये सेवा राम वाली आत्मा करती है या कोई और आत्मा करती है, शिव बाबा है, शिव बाबा करता है तो शिव बाबा गायन होना चाहिए भक्ति मार्ग में, शिव बाबा कहीं गायन होता है 16,000 गोपियों का, राम वाली कहता है, राम वाली आत्मा का कहाँ गायन होता है 16,000 गोपियों का, कृष्ण का गायन होता है, तो जिसका गायन और पूजन हो रहा है उस रूप में उसी आत्मा ने ये सारा काम कराया होगा ना, कृष्ण की सोल ही तो वो सारा संगठन तैयार करती है, तो फिर उन पतितों को पावन बनाने में विशेष सक्रिय है हाथ किसका होगा, कृष्ण वाली सोल का, जहां जहां कृष्ण को खड़ा हुआ दिखाते हैं वहां गऊ में पांव चाटती है, गधा तो कृष्ण है, फोटो खींचो इसका क्या 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 बोलता है कौन है, कौन है बाबा, कौन है बाबा, बाबा को पता होता तो बाबा बताता ना, बाबा को तो पता ही नहीं है, बाबा को सब पता है, बाबा को पता नहीं है इसलिए तो बाबा ने बताया नहीं अभी तक मुरलियों कहीं बताया क्लेरिफिकेशन, कहीं बताया गधा कौन है, बाबा तो कहते हैं मैं किसी का पार्ट बताता ही नहीं, बोर्ड पर या कागज पर लिखकर मैं नहीं बताऊंगा, बाप दादा किसी का पार्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते बोर्ड और कागज पे लिख करके, हाँ मगर बोल सकते हैं, बोलना मैंने बताना बाप दादा तो इशारे से बातें करते हैं, जो जीवात्मा है वो सारी को समझ जाती है, जानवर बुद्धि है वो इशारा नहीं समझ पाते, हाँ जी हाँ जी, याद से ये आयु बढ़ते हैं ना, हाँ जी, तो वो सत्यनारायण शेट्टी और सौंदर्य माता याद कर रहा तो बिचारी याद की होगी, भक्त व्यभिचारी पूजा करते हैं या व्यभिचारी पूजा करते हैं, मगर एक ही पूजा करते हैं या अनेकों की पूजा करते हैं, अनेकों, तो व्यभिचारी याद हो गई, पर्टिकुलरली सौंदर्य माता सत्यनारायण शेट्टी का बात मैं पूछ रहा हूँ, कोई भी हो शरीर छोड़ने वाले एडवांस पार्टी के,
जिनके अंदर भक्ति की संस्कार रह जाएंगे, वो भक्ति के संस्कार रह जाने वालों को शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। अभी भी छोड़ेंगे, फिर नया शरीर धारण करेंगे, फिर पुरुषार्थ करेंगे। वो हृदय पचपा जी बीके का बेंगलोर सेंटर का वो छोड़ दिया। हाँ? वो भक्ति क्या है? भक्ति मार्ग में था? नहीं नहीं, वो तो टोटली भक्ति मार्ग में था, वो तो ज्ञान मार्ग में आया ही नहीं। बाबा पता नहीं है? वो टाइम में हृदय पुष्पा से शिव बाबा प्रचंड पता नहीं, वो योग नहीं क्या मालूम नहीं था। वो हृदय पुष्पा जी को क्या नहीं पता था कौन है? हाँ, उनको तो मालूम ही नहीं था, उन्हें ज्ञान ही नहीं था, उनकी तो बात ही नहीं। ये करे के अंत में हम भक्ति करते हैं, इसलिए बताया गया है हमको ध्यान मिला, हम पर हमको ध्यान मिला। हाँ, मगर भक्ति मार्ग द्वापर से स्टार्ट होता है, होता है। तो द्वापर के स्टार्ट में जिन लोग भक्ति करते हैं उनको क्या मिलता है? तब भक्ति की भावना का फल मिलता है आपको कहाँ का? बिगिनिंग द्वापर के, द्वापर के आदि से ही सतो प्रधान भक्ति होती है। तो यहाँ संगम युग में आकर उनको सतो प्रधान ज्ञान मिलता है, जिनकी तमो प्रधान भक्ति होती है, क्योंकि कलयुग में आके बहुत सी आत्माएं तमो प्रधान भक्ति भी करती है, उनको फिर तमो प्रधान ज्ञान मिलता है। ये अक्षर देवताओं का पेरेंट्स कौन होता है? पेरेंट तो बाप ही होता है। सूर्यवंशियों का पेरेंट कौन होगा? सूर्यवंशियों का, सूर्यवंशियों का पेरेंट कौन होगा? एक के बात कर रहे हैं और सबके बात कर रहे हैं, आठों की बात कर रहे हैं। आठों के, आठों का बाप सूर्यवंशी सूर्य ही होगा ना, कि कोई दूसरा होगा? सूर्य होगा। हाँ, सूर्य है, सोलह कला संपूर्ण, कलाओं कलातीत कहा जाता है, कलाओं से भी परे। तो जो बाप होगा वो तो कलाओं से भी परे होगा ना। ये बात बताया गया है बांजरे माताओं का, वो आकर सम्मुख में नहीं बैठ सकते कुछ लोग उनको, इसलिए मनसा से सेवा करते हैं। हाँ? मनसा से सेवा करना अच्छा है। आप बोला हाँ? अच्छी सेवा करनी, अच्छी सेवा करना। ये मनसा से सेवा करना माना, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। मनसा से सेवा करना माना क्या होता है, कैसे होता है? मनसा से सेवा तभी होती है जब एक में ही बुद्धि लगे, दूसरे में न लगे, तो मनसा सेवा होती है। ये बांदेले माताओं का नहीं, सबको होता है। नहीं, सबको नहीं होता है, बांदेली माताओं की लगन ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उनको वो प्राप्ति नहीं हो पाती जो चाहती है, तो इसलिए उनकी लगन बढ़ जाती है। लगन बढ़ जाने के कारण अग्नि ज्यादा तेज हो जाती है, और ज्यादा तीव्र अग्नि होने की वजह से उनको ज्यादा याद आता है। जितना ज्यादा दुख पड़ता है उतना ज्यादा याद आता है। हम सबको मालूम है कौन कृष्ण कौन राम, मगर ये रावण नहीं बताया है, राम बताया है। राम को राम राम को पहचानते हैं शरीर रूप से, कृष्ण को भी पहचानते हैं, मगर रावण को हम नहीं पहचानते हैं। वो रावण कौन है? रावण शरीर को तूल रूप में, रावण जो है वो देहधारी है। देहधारी कौन है? वही तो बात आ रही थी अभी, रावण है तो रावण के चलाने वाला कोई गधा भी है, वो सबके ऊपर बैठा हुआ है। वो जब तक बैठा हुआ है, जब तक वो बैठा हुआ है तब तो रावण को चलाता रहेगा। ऐसे चलो देवान रूपी गधा, उसको बार बार नहलाओ, बार बार धूल में लौट जाएगा। बाबा मुझे नहीं मालूम रावण नहीं मालूम,
दस मत फैलाने वाला कौन है वो नहीं मालूम, तो फिर एक मत फैलाने वाला कौन है वो भी नहीं मालूम होगा। एक मत फैलाने वाला शिव बाबा, शिव बाबा। लेकिन एक मत फैलाने वाला जो शिव बाबा है वो बिंदी है या साकार शरीर से है? साकार शरीर से, बिंदी बिंदी साकार शरीर में, बिंदी प्लस साकार शरीर। तो साकार शरीर डायरी और शिव बाबा ये दोनों मिलकर के एक हुआ ना, और राम हुआ है ना। अच्छा जो राम हुआ वो तो फिर राम ही हुआ ना, फिर रावण कैसे बन जाता है? इसी दिन में है, दस में बात आई है कि आदि में ज्ञान की दोष नहीं मिला और भावना भी नहीं मिली। ज्ञान की आदि में, आदि में किसको? जो आदि में जो सेवा क्रम और गीता माता और उनको भावना का भाड़ा नहीं मिला, ऐसा मिला। पॉइंट ऐसा है जो इतने छोड़ के चले गए, इतने छोड़ के चले गए कौन, जो एक ही के आदि में छोड़ के चले गए? हाँ उनको ज्ञान मिला ना, ज्ञान और भावना दोनों नहीं, भावना तो थी नहीं उन्हें, बुद्धिवादी में भावना कहाँ होती है? उस वक्त गीता माता भी चले गई, गीता माता भी चली गई, गीता माता फिर भी थोड़ी बहुत भावना होगी बाबा। पहले गीता माता छोड़ दिया या दोनों ही इकट्ठे गए? इकट्ठे तो शरीर सती को छोड़ते हैं या कलयुग को थोड़ी इकट्ठे शरीर छोड़ते हैं? नहीं बाबा, 1942 में सेवा काम छोड़ दिया, पहले तो जो मुख्य है वही छोड़ के जाएगा, उसके पीछे पीछे सब जाएंगे। इकट्ठे नहीं गए, नहीं इकट्ठे क्यों जाएंगे? अच्छी अच्छी बच्चियाँ जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल सिखाती थी। हाँ तो मम्मा बाबा को, माँ बाप को, ब्रह्मा सरस्वती को ड्रिल सिखाने वाली कोई बच्चियाँ थी ना? हाँ वो तो दो ही, वही दो थी, वही दो माताएं थी ना। लेकिन आदि में छोड़ के चले गए, आदि में कौन छोड़ के चले गए? पॉइंट आया उनमें 47 तक आदि नहीं कहेंगे, बीजेपी ऐसा पॉइंट है कि शुरुआत के जो 10 वर्ष है वो आदि नहीं है, आदि को बाबा ओ फ्यूचर में धर्मराज का पात्र होता है ना, तब वो धर्मराज को क्रोध आता है क्या? क्रोध क्यों आता है? उसके पास तो ज्ञान है ना, क्रोध नहीं है, मगर वो हिसाब किताब लेगा, जिसका हिसाब किताब है वो हिसाब लेगा, बोली नहीं है। ऐसा है कि भावना नहीं मिलने के कारण वो चली गई, उसके पीछे वो भी चले गए ऐसा है क्या? पॉइंट ऐसा है कि आदि में जो भावना नहीं मिली इसलिए वो चली गई। कौन चली गई? जो ऐसे आदि में लिख करके सही करके आगे बताया करो, जो पूछना है तो मैं। हाँ पहले माता चली गई, हो गया कुछ चंद्रवंशी आत्मा नहीं होंगी, वो नहीं जाएंगे उनके पीछे, बाप जाएगा, सूर्य जाएगा, तो सूर्य सूर्य के पीछे पीछे सूर्यवंशी बच्चे भी चले जाएंगे। अपने अपने ग्रुप्स है ना, मुखिया जाएगा तो उसके पीछे पीछे उसके जो फॉलोअर्स है वो भी चले जाएंगे।